सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बड़ों और बच्चों सभी के फेवरेट चिली चिकन। बहुत ही मजेदार रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई पार्टी हो या कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हो या बच्चे की बर्थडे हो तो आप ये रेसिपी बहुत आराम से घर में बना सकते हैं। रेस्टोरेंट से मंगाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा ये सस्ती भी पड़ती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो ये मैंने लिया है 2 किलो बोनलेस चिकन, थाई का लिया है मैंने, आप चाहे तो ब्रेस्ट का भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से धो के छलनी में डाल दिया था, अब इसका पानी नीचे चढ़ चुका है। तो इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे, तो मैं इंग्रेडिएंट्स डालती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। तो 2 किलो बोनलेस चिकन है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 4 टीस्पून नमक, ठीक है, और 4 ही टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई काली मिर्च, और 4 ही टीस्पून मैं ले रही हूँ सोया सॉस। अब ये डाल रहे हैं हम व्हाइट विनेगर, तो ये 4 टेबलस्पून है, और ये है कॉर्नफ्लावर, तो 1 कप भर के मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, और ये है मैदा, तो 3/4 कप यानी आधा कप और 1/4 कप मैंने मिला के ये लिया है मैदा, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो ये 4 टेबलस्पून मैंने लिया है, और ये है 4 ही टेबलस्पून ऑयल। पहले मैं सभी चीजें ये अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम डाल देते हैं इसके अंदर अंडे। तो अगर आपके पास थोड़े छोटे अंडे हैं तो 4 ले लीजिएगा, वरना 3 भी सफिशिएंट है। तो ये थोड़ा सा फेंट के मैंने ये अंडे डाल दिए हैं, और हम इनको भी अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देते हैं, गर्मी हो तो फ्रिज में रख लीजिएगा, सर्दी हो तो बाहर ही छोड़ दीजिएगा। तो चिकन को आधा घंटा हो गया है, अब हम उसको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाल लिया है, तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं, पहले मैं 1 पीस डालती हूँ, तो बस इसका टेम्परेचर ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं सभी पीसेस डाल देती हूँ और इनको मैं फ्राई करूँगी। हमें चिकन को पूरा गलाना है, तो मीडियम फ्लेम पर हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि अच्छे से गल नहीं जाता, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। बस जब ये फ्राई हो जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, ये देखिए अब इस पर कलर भी आ गया है। तो बस इसको अब हम एक किचन टॉवल पर निकाल लेते हैं, और इसी तरह से हम पूरा चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन मैंने पूरा फ्राई कर लिया है, ये देखिए आप, और अगर आप चाहें तो इसको पार्टी से या दावत से पहले फ्राई करके इस तरह से रख सकते हैं, और जब आपके गेस्ट आने वाले हों तो उस टाइम आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। तो एक बड़े साइज की कढ़ाई ले लीजिए, वॉक, वैसे तो चाइनीज रेसिपीज वॉक में बनाई जाती है लेकिन सब घरों में वॉक नहीं होती है, तो मैंने बड़े साइज की कढ़ाई ले ली है। इसमें 1 कप मैंने ऑयल लिया है, और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर मैं डालूंगी ये अदरक और लहसुन। तो 1/2 कप मैंने बारीक कटा लहसुन लिया है, और 1/4 कप मैंने लिया है बारीक कटा हुआ अदरक। तो जो भी चाइनीज कुकिंग कीजिए, याद रखिए कि उसको हमेशा हाई फ्लेम पे कीजिएगा। तो बस ये देखिए ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो हम डाल देते हैं इसमें ये जिंजर और गार्लिक जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ऑयल अभी थोड़ा हल्का है, थोड़ा सा अभी मैं इसे और होने देती हूँ। साथ ही मैं डाल देती हूँ 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैं इसको फ्राई होने देती हूँ, ब्राउन नहीं करना है। तो अब डाल देते हैं हम इसके अंदर कैप्सिकम। तो 2 बड़े साइज के मैंने कैप्सिकम लिए हैं, और इनको इस तरह से क्यूब्स में काट दिया है, आप चाहें तो कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। और साथ ही में मैं डाल देती हूँ 2 बड़े साइज की प्याज मैंने ली है, और उनको भी इसी तरह से क्यूब में काट के इनको अलग कर लिया है, तो ये मैं डाल देती हूँ। 2 मिनट इनको हाई फ्लेम पर पकने देती हूँ,
तो 2 मिनट हो गए वेजिटेबल्स को पकते हुए हाई फ्लेम पे। इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें सब्जियों का जो क्रंच है, जो क्रिस्पीनेस है वो चाहिए, हमें इन्हें सॉफ्ट नहीं करना है। तो अब हम डाल देते हैं इसके अंदर कुछ सॉसेस। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 कप टमाटो केचप, आठ टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, 4 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, 4 ही टेबल स्पून ये देखिए सोया सॉस। साथ में हम डाल देते हैं इसमें 4 टीस्पून चीनी, 4 ही टीस्पून नमक। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा और इसको हम थोड़ा सा पकने देते हैं। तो 1 मिनट हमने अपने सॉसेस को अच्छे से पका लिया है। अब हमने लिया है 4 कप पानी और उसके अंदर हमने 12 टेबलस्पून डाला है कॉर्नफ्लावर। इसको अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम हमारी हाई रहेगी। अब इसको चलाते हुए हम थोड़ी देर पका लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट। तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल के हमने इसको 2 मिनट के लिए चलाते हुए पका लिया है और देखिए कितनी खूबसूरत ये सॉस नज़र आ रही है। मैंने थोड़ी वेजिटेबल्स कम डाली हैं क्योंकि मेरे घर में कम पसंद की जाती हैं, आप चाहें तो उससे ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ चिकन, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी ग्रेवी ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसके अंदर पानी पका के भी मिला सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, पकने देते हैं इसी तरह से हाई फ्लेम पर और देखिए कितना ज़बरदस्त ये नज़र आ रहा है। बिल्कुल जिस तरह से रेस्टोरेंट में हमारा हमें चिली चिकन मिलता है बिल्कुल वैसे ही। 1 मिनट हो गया है, बस हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा ग्रीन अनियन, उसका जो ग्रीन पार्ट होता है हरी प्याज का, मिक्स कर लेते हैं और बस हमारा चिली चिकन रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसको इसी तरह से खाएं या फिर फ्राइड राइस के साथ खाएं। एग फ्राइड राइस की रेसिपी हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। तो बस मैं अपनी गैस को बंद कर देती हूँ और इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए तैयार है हमारा चिली चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही ज़बरदस्त बना है और इतनी ज़्यादा माशाल्लाह क्वांटिटी में बना है और बहुत ही आसानी से बन गया है। आप इसको फ्राइड राइस के साथ खाइए या फिर आप इसको किसी भी तरह से प्लेन राइस के साथ खाएं या ऐसे ही खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त ये लगता है। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।